के लिए घर है, हेयर इट इज, यहां है। वी ऑल नीड अ प्लेस टू लिव इन, हम सबको रहने के लिए एक जगह की जरूरत होती है। द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड अवर होम, वो जगह जहां हम रहते हैं उसे घर कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे चले, बिल्डिंग मटेरियल्स, इमारती मवाद। होम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, घर मुख्तलिफ मवाद से बनते हैं। सम आर मेड ऑफ मड, कुछ मट्टी या चिकनी मिट्टी से बने होते हैं या गारे से बने होते हैं, जैसा कि आप लोगों को ये पिक्चर में नजर आ रहा है। अमूमन ये गाँव में ऐसे घर बनाए जाते हैं जो मट्टी से बनते हैं। नेक्स्ट है, सम आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट, कुछ ईंटों रेत और सीमेंट से बने होते हैं, जैसा कि ये आप लोगों को पिक्चर में नजर आ रहा है।
सम आर मेड ऑफ वुड एंड स्टॉ, कुछ तिनकों और लकड़ी से बने होते हैं. सम हैव पार्ट्स मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल्स, और कुछ हिस्से शीशे और धात से बने हैं. यहाँ तक थी हमारी रीडिंग. अब हम चलते हैं अपने कॉपी वर्क की तरफ. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मार्क्स की कॉपी निकालनी है, डेट मेंशन करनी है 21/5/2020. मिड में आप लोग एक्टिविटी की हेडिंग देंगे. डे है सैटरडे. फर्स्ट लाइन में आप लोगों ने हेडिंग देनी है यूनिट नंबर 5. सेकंड लाइन में आप लोगों ने डब्ल्यू एम की हेडिंग देनी है. मिड में सेंटर में सेंटर लाइन लगाएंगे और वन फिंगर की जैसे मार्जिन लाइन लगाएंगे. वर्ड स्टार्ट करते हैं लिखना एच ओ यू एस ई हाउस, हाउस मीन घर, घेरे घर. पी एल ए सी ई प्लेस, प्लेस मीन जगह, जी काफे का जगह. एन डबल ई डी नीड, नीड मीन जरूरत, स्वाद रेवा रूल रहते रख जरूरत. एम यू डी मर्ड, मर्ड मीन गारा, गारेफ्रा गारा. डब्ल्यू डबल यू डी वुड, वुड मीन लकड़ी, नाम क्या लक छोटी लड़ी लकड़ी. ये थे वर्ड्स मीनिंग. वर्ड्स को आप लोग ज्वाइनिंग में लिखेंगे, जबकि मीनिंग्स को आप लोगों ने स्केल के साथ पेंसिल की लेड को बारी करते हुए लिखना है. लास्ट में आप लोगों ने एंडिंग लाइन लगानी है. बुक की रीडिंग 2 से 3 पर आप लोगों ने करनी है और वर्ड्स मीनिंग को अच्छी तरह से याद करना है. ये था हमारा आज का पार्ट स्टडी का काम. स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट आईडी है उर्दू अल्लाह की नेम दे मस्ट कॉपी पर करनी है, प्लस वाहि जमा डब्बा का कपड़ा कॉपी पर होमवर्क करना है. हम चलेंगे पहले अपनी उर्दू की बुक की तरफ जो हमने बुक वर्क करना है. स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों की उर्दू की बुक पेज नंबर 20 अल्लाह की नेम दे. इसकी हमने आज मश्क करनी है. यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, जवाब दें. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मालिक कौन है. आंसर है हमारा मालिक अल्लाह ताला है. क्वेश्चन नंबर 2, हमारे लिए नेमतें किसने पैदा की. आंसर हमारे लिए नेमतें अल्लाह ताला ने पैदा की. क्वेश्चन नंबर 3, फल के अलावा दरख्त हमें क्या देते हैं. आंसर है दरख्त हमें साया देते हैं. नंबर 4, दूध देने वाले जानवर हमें दूध के अलावा क्या देते हैं. जानवर हमें गोश्त देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हरफों को जोड़कर लफ्ज़ बनाए हमें तोड़ दिए गए हैं. हमें इनके जोड़ बना के लिखे हैं लिखने हैं. मीम अलिफ लाम क्या, ये बन जाएगा मालिक. मीम अलिफ मा लाम का फ्लिक मालिक. अलिफ नून अलिफ जीम, अलिफ नून अलिफ ना जीम साकिन अनाज. सीन वाव रे जीम, सीन वाव सूर रे जीम रज सूरज. नून आयन मीम ते, नून आयन मीम ते मत नेमत. क्वेश्चन नंबर 3 है मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पूर करें. हमें ये लफ्ज़ दिए गए हैं, हमने इनकी मदद से खाली जगह को पूर करना है. नंबर 1, उसने हमें पैदा डैश किया. ये जानवर हमें दूध डैश है देते. सूरज हमें डैश देता है रोशनी. माँ बाप का डैश करना चाहिए अदब. उसने हमें माँ बाप जैसी डैश दी नेमत. नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 4 है लफ्जों को तरतीब देकर जुमला बनाएं. हमें ये लफ्ज़ दिए गए हैं, हमने इनको तरतीब से लिखना है. हैं छाँव दरख्त हमें देते. इसको हम तरतीब से लिखेंगे, दरख्त हमें छाँव देते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, सबक में से 4 ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखे जिनके आखिर में बढ़िए है. पहला है खेलिफ खान नून बढ़िए ने खाने क्या ये बढ़िए किए. अलिफ गाफ अलिफ गा हमजा बढ़िए उगाए. दालिये दे ते बढ़िए ते देते. नेक्स्ट है सरगर्मियाँ. नंबर 1, दूध देने वाले 4 जानवरों के नाम लें. हमें जानवर की पिक्चर्स दी गई हैं, हमें इनके नाम लिखने हैं जो दूध देते हैं. सबसे पहले है ये गाय की पिक्चर, हम यहाँ पे लिखेंगे गाफलिफ गा हमजा बढ़िए गाय. नेक्स्ट बेक्या बक रेचोडीरी बकरी. भेये भेड़ ऐसा किन भेड़. अलीवा ऊ नून टे नून छुटीनी ऊंटनी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उल्ट मानी वाले लफ्ज़ों को आपस में मिलाएं. एक मिसाल दी गई है, यहाँ पे हमें लफ्ज़ दिए गए हैं, हमने इनको इनके उल्ट मानी वाले अल्फाज से मिलाना है. जैसा कि है धूप धूप को छाँव के साथ मैच किया है. इसी तरह नेक्स्ट जो वर्ड्स दिए हमने उनको मैच करना है. रोशनी रोशनी का उल्ट होगा तारीकी, ठंडी गर्म ज़्यादा कम बड़ी छोटी. ये था हमारा बुक वर्क.
आप लोगों ने बुक वर्क बिल्कुल नीट लिखना है और पेंसिल की लेड को बारीक रखते हुए लिखना है। पेरेंट्स ने अपने जेरे निगरानी बच्चों को बुक वर्क करवाना है और कॉपी वर्क भी। अब हम चलते हैं अपने कॉपी वर्क की तरफ। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपनी बुक की कॉपी ओपन करनी है, कॉपी को रेडी करना है, वर्क फिगर की गैप से मार्जिन लाइन लगाएंगे, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे 21/5/2020। मिड में आके लिखना है घर का काम और दिन आज जुमेरात। आप लोगों ने एक लाइन छोड़ के सेकंड लाइन में वाहिद की हेडिंग देनी है और जमा की और मिड में यानी कि कॉपी के सेंटर में सेंटर लाइन लगानी है। वाहिद जमा हम आज करेंगे, वाहिद होता है एक एक चीज और जमा दो या दो से ज्यादा की तादाद में जो चीजें होती है उसको जमा बोलते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है पहला वाहिद डब्बा, डाल में डब्बे बार डब्बा, इसकी जमा है डाल बेबड़िए में डब्बे। क्या तेरी किताब ऐसा की किताब, क्या तेरी किताब ये बे नमूना किताबें। दारे दर वालिवा जहेजा दरवाजा, दारे दर वालिवा जहेजे से दरवाजे। काफलिफ का पे छोटी पी कापी, काफलिफ का पे ये लिफिया नमूना कापियां। काफे का पड़े लिफरा कपड़ा, काफे का पड़े बड़ी कपड़े। ये थे वाही जमा। आप लोगों ने एक लाइन छोड़ के काम करना है और एंडिंग लाइन लगानी है, पेंसिल की लेड को बारीक रखना है और स्केल की मदद से काम करना है और इन वाही जमा को याद भी करना है। हमारा उर्दू का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है।